हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो एसएसबी या एसएसबी में जो आप लोग की वैकेंसी निकली हुई, 1500 प्लस आप लोग की वैकेंसी निकली हुई, जिसमें कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आप लोग को वैकेंसी निकली है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। यदि आप लोग को इसकी रिक्रूटमेंट की जानकारी नहीं है, क्या है वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है, तो इसका वीडियो का लिंक मैंने आप लोग को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस वीडियो को देख करके आप लोग जो इसकी वैकेंसी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। कांस्टेबल में ड्राइवर में कितनी वैकेंसी निकली हुई है, इसके अलावा कांस्टेबल स्वीपर में, कांस्टेबल कुक में, कांस्टेबल वाशरमैन में, कांस्टेबल वाटर कैरियर में कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई, पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। इसके अलावा क्या एज वगैरह है, क्या हाइट वगैरह, पूरी जानकारी आप लोग को मिलेगी मेरे उस वीडियो में। और इसके जो आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस और फिजिकल वगैरह है, इसकी जानकारी का वीडियो भी मैं आप लोग को आने वाले दिनों में प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि अभी हो रहे हैं ऑनलाइन अप्लाई। जी हाँ, अभी हो रहे हैं ऑनलाइन अप्लाई, और अब भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन अप्लाई में जो आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है कि अप्लाई कैसे करें, कोई गलत गलती ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए, ये जानकारी देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो मेरा वीडियो है, ये जो आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं, इसमें जो सर्टिफिकेट्स हैं, जी हाँ, जो भी सर्टिफिकेट है आप लोग को, SC ST OBC एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह, एजुकेशन सर्टिफिकेट वगैरह, कैसे अपलोड करना है, मींस कितना पुराना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है, या ओबीसी SC ST है, हम जो है फिजिकल के टाइम जमा करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ये पूरी जानकारी आज मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोग भी ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई के वीडियो का लिंक भी मैंने आप लोग को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। किसी भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कीजिए। इसके अलावा ड्राइवर पोस्ट के लिए आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका सेपरेट वीडियो भी मैंने आप लोग को बनाया हुआ, वो देख करके आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आए, आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। बट क्वेश्चंस ज्यादा हो जाते हैं तो वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब बल्क में बहुत ज्यादा मैसेजेस होते हैं तो सभी के जवाब देना पॉसिबल नहीं होता, इसी वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे एक्सपीरियंस लेटर को लेकर के, ओबीसी SC ST को लेकर के, ठीक है, एजुकेशन को लेकर के काफी क्वेश्चंस आए हैं। तो आज का मेरा वीडियो यही है कि सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, सर्टिफिकेट अभी जरूरी है, सर्टिफिकेट हम फिजिकल के टाइम जमा कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो देखिए, SSB ने जो अपना फॉर्मेट बनाया है ऑनलाइन अप्लाई का, इसमें आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि आप लोग बाद में जमा करा दें। यहां पे जो भी, जब भी आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त बकायदा आप लोगों से परफॉर्मा भरवाया जा रहा है, आप लोग के पास सर्टिफिकेट है, मींस आप लोगों से सबसे पहले आप लोग होने चाहिए हाई स्कूल क्वालिफाइड, तो आप लोग को हाई स्कूल की डिटेल देनी ही देनी है, ठीक है। ये हो गया आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके अलावा आप लोग के पास हो एजुकेशन सर्टिफिकेट, या फिर आप लोग के पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, जी हाँ, प्रोफेशनल आप लोग के पास कोई सर्टिफिकेट है, तो उसकी जानकारी इन्होंने अलग से ली हुई है, मींस आप लोग के पास हाई स्कूल होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 2 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग के पास ITI होना चाहिए संबंधित ट्रेड में, यानी कि आप लोग पेंटर के लिए भर रहे हैं तो पेंटर में ITI होनी चाहिए, कारपेंटर के लिए भर रहे हैं तो कारपेंटर में ITI होनी चाहिए, स्वीपर के लिए भर रहे हैं तो स्वीपर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी हाँ, इसमें ITI नहीं होती, लेकिन कहीं से आप लोगों ने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, कुक का आप लोगों ने कहीं से सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। 2 साल का कर रखा है तो आप लोग को एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, 1 साल का कर रखा है तो आप लोग को 1 साल का सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस भी लगाना है, या फिर नॉर्मली आप लोग 10th पास हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आप लोग को ये ऑप्शन दिया जाता है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं मेरा, तो इसमें आप लोगों से 2 ऑप्शन पूछे जाते हैं। मैट्रिकुलेशन पे आप लोगों को पॉइंट करना पड़ता है, यानी कि मैट्रिकुलेशन हमने कर रखी है। इसके अलावा आप लोगों ने एक्सपीरियंस कर रखा है तो उस पर आप लोग को टिक करना ही पड़ेगा। एक्सपीरियंस नहीं है तो इसके अलावा आप लोगों ने जो भी कर रखा है वो उस पर आप लोग को टिक करना पड़ेगा, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप लोग को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। मीन्स आप लोग जब भी अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग के पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप लोग के पास एक्सपीरियंस, यदि आप लोग एक्सपीरियंस लगा रहे हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप लोग के पास होना चाहिए, तभी आप लोगों को आगे बढ़ने दिया जाएगा। मीन्स आप लोगों से जो पूछा गया है, आप लोगों ने कहा है हमारे पास है, तो ही आप लोग को अब आगे बढ़ने दिया जाएगा। आगे बढ़ने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे SSB ने जो आप लोग की इस बात
जो प्रोसेस के लिए जो आप लोग का सॉफ्टवेयर बनाया है इसमें सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे जा रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप लोग को हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यानी कि जो एजुकेशनल है। इसके अलावा आप लोगों से प्रोफेशनल का भी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो प्रोफेशनल का मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंसेस है, जी हाँ एक्सपीरियंस है, या फिर आप लोगों ने कर रखा है ITI, या फिर आप लोगों ने कर रखा है कहीं से कोई सर्टिफिकेट, तो वो आप लोग को अपलोड करना है। बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर एक्सपीरियंस मीन्स प्रोफेशनल का क्या मतलब है, प्रोफेशनल में हम 10th लगा देते हैं और जो है एक्सपीरियंस लेटर बाद में दे देंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने पहले जो प्रोसेस था उसमें आप लोगों ने टिक किया है, मतलब कि मेरे पास है, तो ही आप लोग को आगे बढ़ने दिया गया। जब आप लोग आगे बढ़े हैं तो आप लोग को प्रोफेशनल में वही चीज अपलोड करनी है जो आप लोगों से पहले कही गई है। यदि आप लोग के पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, यदि आप लोग के पास ITI कर रखा है तो आप लोग ITI अपलोड करेंगे। ठीक है, जो है आप लोग को वो अपलोड करना है, क्योंकि हाई स्कूल का आप लोग पहले ही अपलोड कर देंगे, उसके बाद आप लोग को प्रोफेशनल अपलोड करना है। प्रोफेशनल में आप लोग का सर्टिफिकेट ही लगेगा, तो सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट बनने के बाद उसे स्कैन करा के ही आप लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अब इस बात की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि सर्टिफिकेट हम ट्रेड टेस्ट के टाइम दे देंगे, हम लोग फिजिकल के टाइम दे देंगे, ऐसा नहीं है। यदि आप लोग कुछ और वहां पे अपलोड कर भी देते हैं, यदि हाई स्कूल इंटर वगैरह का भी अपलोड कर दे रहे हैं, तो आप लोग फिजिकल के टाइम बाहर कर दिए जाएंगे, ये आप लोग मान के चलिए। जी हाँ, फिजिकल के टाइम आप लोग का पूरा वेरिफिकेशन होगा, किस डेट का आप लोग का सर्टिफिकेट है, किस डेट का सर्टिफिकेट नहीं है, उसके अनुसार ही आप लोग को जो है फिजिकल देने दिया जाएगा, नहीं तो आप लोग को वहां पे बाहर कर दिया जाएगा। तो टोटल कुल मिला के आप लोग के पास सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई करेंगे, तो ही आप लोग को बेनिफिट है। तो एक्सपीरियंस का हो गया, ठीक है, और एक्सपीरियंस आप लोग को लास्ट डेट से पहले ही होना चाहिए, क्योंकि अप्लाई आप लोग 27 तक ही कर सकते हैं, तो 27 को भी यदि आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट तो आप लोग को अपलोड करना ही पड़ेगा। तो यानी कि सर्टिफिकेट आप लोग का लास्ट डेट तक होना चाहिए, और उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन भी किया हुआ है एजुकेशनल एंड ऑल सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट हो वो आप लोग के 30 एम्प्लॉयमेंट न्यूज में एड आने के 30 दिन बाद, यानी कि 27 सितंबर तक सभी सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस की प्रॉब्लम मैंने आप लोग को दूर कर दी, आप लोग के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर ITI होना चाहिए, तो ही आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब इसके बाद बारी आ रही है OBC SC ST को लेकर के, कि सर OBC SC ST, जी हाँ यदि आप लोग SC ST OBC से हैं तो आप लोग का भी सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोला जा रहा है, यानी कि आप लोग को किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं दी जा रही है, आप लोग को सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो सर्टिफिकेट आप लोग को मैं आप लोग को बता रहा हूँ 27 सितंबर का टाइम है आप लोग के पास, 1 मंथ का टाइम है, तो बहुत टाइम है। 30 दिनों में मैं 3 बार सर्टिफिकेट बनवा सकता हूँ, जी हाँ 3 से ज्यादा बार सर्टिफिकेट बन सकता है। तो आप लोग इस प्रकार का कोई रिस्क मत लीजिए, यदि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग भी जॉब पाना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आप लोग जो रियल वर्क है वही काम कीजिए, किसी प्रकार का आप लोग फ्रॉड मत कीजिए, कोई गलती मत कीजिए, नहीं तो आप लोग को दिक्कत होगी, चाहे वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो चाहे किसी और सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो। ठीक है, इस चीज को आप लोग जान के चलिए। तो आप लोग आज ही सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए, ओबीसी एससी एसटी सेंट्रल का ही होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि सर्टिफिकेट आप लोग को 8 से 2 महीने बाद जब आप लोग फिजिकल देने जाएंगे तब भी आप लोग को लेके जाना ही है। तो जब लेके जाना है तो उसे आज ही बनवाइए, 30 दिन का समय काफी होता है। ठीक है, 30 दिन तक आप लोग बना लीजिए, बनाने के बाद ही आप लोग अप्लाई कीजिए, तो आप लोग को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग के सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे रहेंगे, एक्सपीरियंस भी आप लोग के पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक रहेगा, आप लोग का जो सर्टिफिकेट भी पूरा हो गया। इसके अलावा आप लोगों से आधार कार्ड वगैरह ये सब चीजें मांगी है गई हैं, आधार कार्ड हो, कॉलेज का कार्ड हो, या फिर वोटर आईडी कार्ड हो, तो वो भी आप लोग को अपलोड करना है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। फोटो वगैरह भी अपलोड करनी है, पूरी जानकारी आप लोग मेरे वीडियो को देख करके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन टोटली मैं आप लोग को बता दूं, सभी सर्टिफिकेट चाहे वो SC ST OBC एक्सपीरियंस एजुकेशनल यानी कि हाई स्कूल, सब आप लोग के पास होना चाहिए, और जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मांगा है उसमें आप लोग को ITI या फिर एक्सपीरियंस ही अपलोड करना है। 12th या फिर ग्रेजुएशन आप लोग का जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में काउंट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को आज पूरी जानकारी दे दी सर्टिफिकेट से रिलेटेड, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोग को फिर बता रहा हूं, सभी सर्टिफिकेट आप लोग के पास होने चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई करेंगे।
ओके फ्रेंड बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट डे।